हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो जो है वो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए होने वाली है। टॉपिक रहेगा आपका एक्स क्या आपको याद करता है, आपके एक्स पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या वो आपकी लाइफ में वापिस आएंगे, आप लोगों का रीयूनियन होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। तो एक बात का आप खास ख्याल रखिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करके तभी आप व्हाट्सएप पे आइए, पर्सनल रीडिंग पेड है। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेंटली प्रिपेयर होके आइए। अगर आप कहीं बहुत स्टक हैं और सच में आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आइए। अदरवाइज आप में से बहुत से लोग नंबर लेते हैं और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, लंबी लंबी कन्वर्सेशन करते हैं, छोटे छोटे मैसेज करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर मैसेज करेंगे, तो इस तरह से देखिए टाइम वेस्ट होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं पेड रीडिंग के लिए तो व्हाट्सएप पे आइए, अदरवाइज मत आइए क्योंकि हम आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना तो अपना ना हमारा। तो चलिए जेमिनीज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए जेमिनीज के पर्सन की एनर्जी, जेमिनीज के एक्स पर्सन की एनर्जी, क्या वो इनको याद करते हैं। जेमिनीज के एक्स पर्सन की एनर्जी, क्या वो जेमिनीज को याद करते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए जेमिनीज के एक्स पर्सन की एनर्जी। द टावर, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द एम्प्रेस का। जेमिनीज आपके पर्सन की एनर्जी, हमारा क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं, तो सबसे पहले बोल दूं कि यस, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप सेपरेशन आपका अचानक से हुआ। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप था वो काफी पुराना था और अचानक से उसमें बदलाव आया, अचानक से उस रिश्ते में टूटने की कगार पे वो पहुंचा। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्लान कर रखा था कि हम अपने लाइफ को आगे लेकर जाएंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, और अचानक से ही बदलाव हुआ, आपको उसमें संभलने का भी मौका नहीं। टावर बता रहा है, टावर का कार्ड बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से टूटा जेमिनीज कि आपको संभलने का भी उसमें मौका नहीं मिला। आपके पर्सन की फीलिंग जो है इस समय काफी ट्रैप्ड है, यानी कि किसी तरह का अगर आप ये सोचते हैं कि वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, जीरो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, टेंशन डिप्रेशन इस रिलेशनशिप में रहा, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी थी। और जिस रिश्ते को आप हम सिर्फ आंख बंद करके चलते रहते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, तो उस रिलेशनशिप का एंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और यहां मुझे यही लग रहा है, आप दोनों ही ने टाइम टू टाइम सोचा होगा कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन उस सोच को लेके आपने आंख बंद कर ली क्योंकि आपके पास उसका जवाब नहीं था और आपने ना ही इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी। थ्री ऑफ पेंटिकल है, चैलेंजेस रहे हैं, टीम वर्क रहा है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं और दूसरे लोग भी किसी ना किसी पॉजिटिव या नेगेटिव मोड में इन्वॉल्व रहे हैं। रिश्ता आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है यहां पर, मैं झूठ नहीं आपको कहूंगी, उस तरह से जिस तरह से कार्ड आते हैं हम वही बताते हैं आपको। भले ही इस रिश्ते में प्यार था, इस रिश्ते में केयर भी थी, इस रिश्ते में सपने थे, उम्मीदें थी, बट ये रिश्ता जो था अचानक से इसमें बदलाव आया, संभलने का मौका नहीं मिला, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ हुई। और डेफिनेटली एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप में चीट किया, धोखा दिया और ये रिश्ता जो था वो एंड हो गया आपका।
टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था कि आप पर्सन याद करते हैं, तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन याद करते हैं आपको जेमिनीज। लेकिन जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होता है उस रिलेशनशिप का कहीं कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक याद के सहारे या ये सोच के कि हाँ कभी प्यार किया था और वो पर्सन ये है वो है, सिर्फ पास्ट के सहारे आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब कर लेते हैं। पॉजिटिव मोड अगर कहीं इस रिलेशनशिप में होता तो हम आपको जरूर बताते। आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो ट्रैप्ड है, टेन ऑफ सॉर्ड्स आया है, एक ऐसा पर्सन जो करेगा ही नहीं कुछ। आप लाख सोचिए लाख बोलिए किसी के ऊपर, वो करने वाला ही नहीं है कुछ, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, जो सेम सिचुएशन है वो वैसी बनी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग जिस रिलेशनशिप में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और वो भी नेगेटिव मोड में आती है, वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। आपके पहले क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया कि यस आपके पर्सन आपको याद करते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ चीजें देखते हैं। इस टाइम पे आपके पर्सन की सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ में कैसी बनी हुई है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ में भी अगर आपके पर्सन है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी स्टॉक कर रहे होंगे क्योंकि ज्यादा ध्यान आपकी तरफ है। एक सिचुएशन जो है जिसको बेस्ट नहीं कह सकते, आर्गुमेंट बना हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में। नेक्स्ट थर्ड पार्टी के साथ में अचानक सडन क्या हो सकता है, आगे बहुत आगे मत जाइएगा, कुछ ही टाइम में अचानक दोनों के बीच में क्या हो सकता है। जब धोखा देते हैं तो आगे धोखा ही मिलता है, दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है। आपको आपके पर्सन ने चीट किया तो उनको भी आगे से चीटिंग और दुख ही मिलेगा, उनको भी ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में कैसे चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ में आगे क्या रहेगा, तो यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मुझे सैडनेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे चीजें थर्ड पार्टी के साथ में अचानक कुछ टाइम में एक तरह से धोखा मिलने की अंदेशा है। क्या थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। मुझे लगता है काफी हद तक थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है और इसी वजह से वहां पर भी सिचुएशन ठीक नहीं है, रातों को वो सो भी नहीं पाते हैं और उनको भी लगता है कि उनके पर्सन उनको चीट कर रहे हैं और सिचुएशन ठीक नहीं है, तीसरा बंदा उनके रिश्ते में है और वो रिश्ता खराब कर रहा है, ऐसा आपकी थर्ड पार्टी को लगता है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या आगे, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में नेक्स्ट जल्दी से क्या होने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल आया है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है जेमिनीज, आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अब वो किस तरह की होगी ये मैं नहीं बताऊंगी, हाँ आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप में अचानक से सडन आगे, तो आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है अपने पर्सन की तरफ से। क्या वो आगे बढ़ेंगे कि एक पॉजिटिव मोड में आपके रिलेशनशिप को लेके, टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, फैमिली को देखिए ध्यान रख रहे हैं वो, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमने कहा था कि आपके पर्सन आपके लिए आगे कोई स्टेप लेंगे, तो देखिए फैमिली आ रही है बीच में। मैं आपको बता दूं अगर इस तरह से एक कार्ड आता तो काफी बेस्ट होता, तो फिलहाल आगे कमिटमेंट कह लो या आगे बढ़ना बहुत एकदम पॉजिटिव मोड में वो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक हलचल जरूर हो सकती है। आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जेमिनीज और उनके पार्टनर की, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एज ऑफ कप की एनर्जी है, आप दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप को लेके अच्छी है, एक दूसरे के लिए प्यार है और कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, बट मुझे कोशिशों की यहाँ पे कमी लग रही है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी लाइफ में आपके एक्स के बिना अब आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए जेमिनीज के लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। जेमिनीज आपके लव लाइफ में आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप है, लेकिन हाँ स्ट्रगल तो आपके रिश्ते में है। जेमिनीज को वैसे भी जल्दी से रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलता है, तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ईश्वर आपकी कोशिशों में आपका कितना साथ देंगे ये देख लेते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए ईश्वर आपकी कोशिशों में कितना साथ देंगे अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। कोई बड़ा बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रगल यहाँ पर है, ऑफर आपको मिलने के लिए तैयार है लेकिन कोई आपको ऑफर दे नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ मसलों में एक जेलिसी भी लग रही है, अगर आप किसी खास पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे वहां से रिस्पांस आ जाए तो रिस्पांस आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि कुछ मुद्दे आपके यहाँ पर फंसे हुए हैं। आपके किसी भी रिलेशनशिप में क्या हीलिंग है, इस क्वेश्चन में यस और नो कार्ड ले लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। फिलहाल आप स्टक हैं जेमिनीज, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो काम बिल्कुल नहीं कर रहा तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, तभी आप आगे सही नजरिए से देख पाएंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी रीडिंग जो है वो पॉजिटिव मोड पे खत्म हो, लेकिन ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होता है और ऐसा भी हम नहीं करते कि कार्ड हम पहले से निकाल के रखें और सब यस यस आपको बोलते रहे, ऐसा नहीं। जेमिनीज आप लोग जो इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, अभी फिलहाल आप थोड़े से स्टक हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ एक रिश्ता गलत है और किसी ने हमें चीट किया है, हमें अब आगे किसी को दुख पहुंचाने का हक नहीं देना, वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। जब तक आप किसी गलत चीज को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, तब तक आपकी हीलिंग नहीं होती है। और एक चीज बता दूं कि ये एनर्जी जो है हमेशा एक सी नहीं रहती है, आगे एनर्जी चेंज होगी और ये एक जनरल प्रिडिक्शन भी है, तो जरूरी नहीं कि सबके साथ मैच करे। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेमिनीज एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। कितनी मैच करी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा अगर आप कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।